समालखा के जलमाना गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही से बाइक सवार दो सगे भाइयों की हादसे में मौत हो गई। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर समालखा के अदमी गांव में अपनी बहन के घर जा रहे थे। तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल दूसरे युवक ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पानीपत में ओवरलोड वाहन लोगों का काल बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देर रात भी समालखा के पास ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही से दो युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गन्नौर निवासी राजेश तथा अमित बाइक पर सवार होकर समालखा के अदमी गांव में अपनी बहन के घर जा रहे थे। इसी दौरान जलमाना गांव के पास तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्राली चालक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में राजेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अमित ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों युवकों की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल परस गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी सर, एक तो हमारा लड़का था सन्नी, एक और उसका दोस्त था बाइक का। हमारी दो गाड़ी चल रही थी, एक सोनू के नाम से थी, उसकी मोटरसाइकिल आगे चल रही थी, उसका बड़ा भाई था। और आगे से सफेदे वाला ट्रैक्टर आ रहा था इधर जलमाने की तरफ, और ट्रैक्टर आ रहा जब उसने सीधी टक्कर उनको छोड़ दी, जिस कारण मौके पर की मौत हो गई और दूसरे की दिल्ली ले गई तो उसकी डेथ हो गई है। तो लापरवाही किसकी है? लापरवाही ट्रैक्टर वाले की। स्पीड में था वो? हाँ, स्पीड में था जी। उसमें जो है सफेदे भाई हुए थे, ओवरलोड भी था जी सर। हाँ, ओवरलोड था जी, और उसने जो है नशे में था, उसने जो सीधी टक्कर ठोक दी मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड में, ना लाइट थी। किस किस की डेथ हुई है इसमें? इसमें एक तो राजेश उर्फ सन्नी सन्नो बलवान, और एक बाएं का जिसका नाम है अमित। ये आदमी क्या करने अपनी बहन के घर आ रहे थे? हाँ, अपने सिस्टर गए थे जी। अच्छा, तो पकड़ा गया ट्रैक्टर वाला या फरार? हाँ, ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया जी, वो पुलिस के अंडर में। ये दोनों क्या कुछ करते थे दोनों लड़के? कुछ नहीं जी, घर में रहते थे, वैसे अपने सिस्टर को मिलने के लिए। आपका नाम क्या है और कैसे हुआ है एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट ट्रैक्टर के साथ हुआ। ये सिंदौली से रमाड़ा गांव की तरफ जा रहे थे रात के 8 बजे करीब। अमित सोमवीर और ये लड़का राजेश सुनोब बलवानी की एक्सीडेंट में मौत, इनका चोट लगी थी, नहीं चोट लगी थी, तो हॉस्पिटल में कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ से आते दोनों लड़कों की डेथ हो गई। हाँ, दोनों की, एक की दिल्ली एक की। फिर लापरवाही क्या कार्रवाई की है? गिरफ्तार कर लिया उसको सर? ना, नहीं नहीं, अभी तो ट्रैक्टर लेकर वो भाग रहा है आगे, जैसी कार्रवाई हुई।